हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम करंट अफेयर अप्रैल के चौथे वीक को लेके ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा आप सारे लोगों के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा सबसे लंबे समय तक पद में रहने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? ये हो गया पवन चावलिंग, सिक्किम के हैं। ठीक है, पहले कौन थे? दीपक बसु। हाल ही में बीसीसीआई में किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु नामित किया था? विराट कोहली, राहुल द्रविड़, मनीष पांडे, जसप्रीत बुमराह। राहुल द्रविड़ को। ठीक है, कौन व्यक्ति हाल ही में 17वें सरस्वती सम्मान हेतु चुने गए? सीतासु यशवंत। ठीक है, हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक सहनशूलता के मामले में दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला भारत को? चौथा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में भारत को कौन सा स्थान मिला? 138वां। हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2018 आरंभ हुआ? मलेशिया के साथ। हाल ही में किसे नोबल वीमेन्स लीडरशिप अवार्ड 2018 हेतु चुना गया? शेख हसीना को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेश में पैसा भेजने में शीर्ष स्थान पर रहा? भारत। हाल ही में किसे टाटा समूह के वैश्विक कॉर्पोरेट मामले के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? यश जयशंकर। विजयंत भोसले, जितेंद्र मीणा, महावीर जैन। यश जयशंकर। थैंक यू।